नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का पहला आर्टिकल T1 प्लस सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बात करता है। सेबी T+1 सेटलमेंट सिस्टम लेकर आ गई है और किस प्रकार से ये निवेशकों को मदद करेगा उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये है अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में और इससे जुड़ा हुआ जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसके बारे में। हाल ही के सरकार के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके चलते हुए अरावली और उससे जुड़ी हुई जो इकोसिस्टम है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो उसी बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर, वो ये है कि भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना कौन करता है, इसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करता है। आपका ऑप्शन ए है CSO, ऑप्शन बी है NSSO, ऑप्शन सी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ऑप्शन डी ISO। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर, वो ये है कि T+ सेटलमेंट सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है और ये इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को किस प्रकार से मदद करेगा। इस पर आपको एक विस्तृत चर्चा करते हुए 250 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है। तो चलिए T+1 सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये T+1 सेटलमेंट सिस्टम जो है ये सेबी लेकर आई है। क्या होता है इसका मतलब? टी अर्थात ट्रेड और +1 मतलब +1 डे, +2 मतलब +2 डेज। तो ट्रेड जिस दिन हुआ उससे और कितना समय लगेगा उसके बारे में बात करता है। भारत में हम सामान्यतः देखें तो T+2 सिस्टम पे काम होता है, मतलब जिस दिन ट्रेड हुआ, जिस दिन शेयर खरीदे निवेशक ने, उसके बाद में उस तक पहुंचने में उसे +1 या +2 डेज लगते हैं। तो वही बात की गई है यहां पर कि अभी जो +2 डेज लगते हैं इसको कम करके T+1 करने की तैयारी में है। इसके चलते ये होगा कि जो हमारा NSCC है, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन, इसका अपने आप में सेटलमेंट समय है ये 50% तक घट जाएगा। इससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमारी सेटलमेंट विंडो है ये कम होगी, मतलब जितना समय हमें सेटलमेंट विंडो में लगता है ये कम होगी। इसके चलते हुए जो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग रहेंगी ये ट्रेड पर कम प्रभाव डालेगा। तो अपने आप में जब निवेशकों को इसका जल्द से जल्द फायदा मिल जाएगा, मतलब निवेशक ने अगर पैसा डाला तो उसका फायदा मिलते मिलते उसे 2 दिन लग जाते थे और 2 दिन कभी कभी 3 दिन भी हो जाते थे प्रोसेस के चलते हुए, लेकिन अब ये T+1 सिस्टम से निवेशक को इसका जल्दी से जल्दी फायदा मिल पाएगा। मतलब जो मनी है, जो पैसा है, उसका सही हाथों में उपयोग जल्द से जल्द हो पाएगा और उसका इफेक्ट जो है वो जल्द से जल्द निवेशक को मिल सकेगा। अब ये किस प्रकार से काम करेगा ये देख लेते हैं। द ट्रेड टेक प्लेस विद इन 1 डे, इन्वेस्टर गेट्स द मनी ऑन द फॉलोइंग डे। मतलब ट्रेड जो है वो 1 दिन में कंप्लीट होगा और इन्वेस्टर्स को जो पैसा है वो उस ट्रेड खत्म होने के 1 दिन बाद, मतलब उसके अगले दिन ही मिलेगा। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि जो टेक्निकल चेंज होंगे, जो लार्ज टेक्निकल चेंज यहां पर देखने को मिलेंगे, नो ऑपरेशनल और नो और लार्ज टेक्निकल चेंजेस, जो एक बड़े बड़े हमें टेक्निकल चेंजेस देखने पड़ते थे, कंप्लीट ऑपरेशनल साइकिल होती थी, इसका समय बच जाएगा। उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, पैसे जो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते थे, जैसे पहले ब्रोकर के पास में जाता था, देन ब्रोकर के पास से वो इन्वेस्टर के पास में वापस जाएगा, तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये अपने आप में कम हो जाएंगे। इसके चलते हुए इन्वेस्टर्स जो है उसे अपने पैसे का फायदा जल्द से जल्द मिल पाएगा। उसके अलावा नो चेंज इन कोर क्लियरेंस एंड सेटलमेंट इकोसिस्टम। एक बहुत अच्छी बात यह है कि कोर क्लियरेंस और सेटलमेंट इकोसिस्टम जो है इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला, जो सिस्टम है उसी को काफी अच्छे से स्ट्रीमलाइन, जिसे हम कहते हैं, तो इसे स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। तो अगर इसके आउटकम देखें तो यूएस में ये पद्धति पहले से ही है। यूएस DTCC स्ट्रांगली बैक्स T+1 सिस्टम ड्यू टू इट्स मेरिट। तो इसकी मेरिट को लेते हुए यूएस का अगर हम सिस्टम देखें तो यहाँ पे T+ सेटलमेंट सिस्टम जो है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसकी ऑब्स्टिकल ये हो जाती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, जो विदेशी निवेशक है, उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा क्योंकि ऑपरेशनल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। हम +5:30 यहां पर एक जोन में रहते हैं, अगर ग्रीनविच से देखें तो हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच से। अलग अलग देशों का अलग अलग टाइम जोन्स रहता है, इसके चलते हुए एक परेशानी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज से भी जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। उसके अलावा डिफिकल्टी इन हेजिंग द नेट इंडियन वैल्यू अगेंस्ट डॉलर टर्म्स। तो यहां पे जो कन्वर्जन होता है इंडियन वैल्यू से डॉलर के अंतर्गत, इसमें थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। अपने आप में रियल टाइम चेंजेस में थोड़ा समय लगता है, जिसके चलते हुए जो हमारा सेटलमेंट सिस्टम है वो उतनी तेजी से वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कार्य कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये एक अपने आप में
एक विषय रह सकता है, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ में ये स्ट्रीमलाइन अगर प्रोसेस हो जाए तो इतनी दिक्कतें सामने देखने को नहीं मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडियन रुपी का जो वैल्यू डिमीन हुआ है उसके चलते हुए डॉलर से इंडियन वैल्यू को कंपेयर करें तो कमजोर माना जाता है। तो ये एक समस्या है देखने को विदेशी निवेशकों को या हमारे देश के जो बाहर लोग बसे हुए उनको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा पॉजिटिव T+1 सिस्टम कुड ब्रिंग अ 41% रिडक्शन इन वॉलिटिलिटी कंपोनेंट ऑफ NSCC मार्जिन्स। तो NSCC मार्जिन्स क्या होता है कि जो बोरोवर पैसे डालते हैं, हमारे निवेशक जो पैसे डालते हैं हमारे शेयर मार्केट में, तो यहाँ पर एक मार्जिन रखनी पड़ती है बोरोवर्स को, तो उस मार्जिन में 41% का रिडक्शन होगा। मतलब जो पैसा बोरोवर का सिस्टम में फंसा रहता था अब करीब करीब 41% वो पैसा वहां पे एक वॉलीटिलिटी मिलेंगी T+1 सिस्टम के चलते हुए। मतलब जल्दी पैसा जब निवेशक के हाथ में आएगा तो अगर कोई उसने मनी बोरो करके रखा है, कोई उधार लेकर रखा है सिस्टम में, अगर उसका पैसा अटका हुआ है तो वो जल्द से जल्द क्लियर हो पाएगा, जिसके चलते हुए एक अतिरिक्त भार जो इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स पे पड़ता था वो अब नहीं पड़ेगा। तो यहां पर T+1, जैसे मैंने बताया कि द डे ऑफ ट्रेड, जिस दिन ट्रेड हुआ, T+1 बिजनेस डे आफ्टर ट्रेडिंग, और पहले हमारे यहाँ पे सेकेंड बिजनेस डे तक चीजें जाती थी, लेकिन अब ये बात की गई है कि T+1 तक ही ये सिस्टम चले। तो संक्षिप्त में हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर पढ़ते हैं, जो कि अरावली श्रृंखला के बारे में है। तो न्यू प्लान बनाया गया है जिसमें अरावली की जो श्रृंखला है ये हरियाणा तक ही सीमित रखी गई है। इसका मतलब ये है कि NCR रीजन में जो अरावली श्रृंखला आती थी, अरावली पर्वत श्रृंखला का जो एक छोर NCR में पड़ता था, अब इसे इको सेंसिटिव रीजन का दर्जा नहीं मिलेगा। मतलब ये प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा। इसके चलते हुए बड़ी समस्या ये देखने को मिल सकती है यहाँ पे कि यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके चलते हुए अरावली का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो पर्यावरण तंत्र है यहाँ का, उसको प्रभाव उस पर पड़ सकता है। तो बताया गया है कि 9,000 हेक्टर हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ द बाउंड्रीज। तो करीब करीब 9,000 हेक्टर जो अरावली श्रृंखला की भूमि है ये इस इको सेंसिटिव रीजन से बाहर रखी गई है, जो कि माउंटेन की इकोलॉजिकल फंक्शन को डैमेज कर सकता है ये कदम। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई अभी तक अरावली पर्व श्रृंखला को प्रोटेक्ट करने के लिए। 2002 में यहाँ पे अरावली श्रृंखला पे जो भी इंक्रोचमेंट हुआ था, जो भी अतिक्रमण हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में यहाँ पर कदम उठाए थे और सारे इंक्रोचमेंट को हटाने की बात की गई थी। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी माइनिंग एक्टिविटी ना हो, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स ना हो, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कदम उठाते रही है। उसके अलावा 2018 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये अपना एक चौथाई हिस्सा जो है वो पहले ही खो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अतिक्रमण हो चुका है, कुछ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, सिर्फ स्लम डेवलपर्स ही नहीं, उसके साथ में जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, रियल इस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, वो भी आए हैं। तो यहाँ पर दोनों ओर से यहाँ पर इंक्रोचमेंट अरावली का हुआ है, इसके चलते हुए एक चौथाई जो हिस्सा है हम उसका खो चुके हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय से 2002 से पहले कदम से लेकर अभी तक 2018 तक काफी कदम उठाए हैं, और अब इस नए प्लान के चलते हुए भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कड़े रुख में एक निर्णय दे। उसके अलावा अगर हम देखें तो इमीडिएट कॉल ऑफ एक्शंस क्या होने चाहिए वो बताया गया है। सबसे पहले लोकल अथॉरिटीज नीड टू रियलाइज दैट दिस विल बेनिफिट द रेसिडेंट ऑफ स्टेट। अब यहां पर अगर इकोसिस्टम बचता है तो इससे लोकल रेसिडेंट जो है उनको ही फायदा मिलेगा, जो यहाँ के निवासी हैं इनको ही फायदा मिलेगा। अगर हम जाने तो थार रीजन को और जो इंडो गैंगेटिक रीजन है, जो गंगा रीजन और इसका जो मैदान का एरिया है, इनको अलग करने वाली जो एक नेचुरल वॉल है ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि गुजरात, उत्तर गुजरात से लेकर दिल्ली तक NCR रीजन तक फैली हुई है। तो ये अपने आप में एक वॉल जैसा क्रिएट होती थी। अब ये समझिए कि अगर ये अरावली की श्रृंखला का इंपॉर्टेंस खत्म होते जाएगा, इसका पारिस्थितिक तंत्र हम खत्म करते जाएंगे, तो जो पहले ही हमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलती है ये हो सकता है कि और बढ़ जाए,
क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज को ये और तेजी से बढ़ा भी सकता है, जिसके चलते हुए लोगों पर ही इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके चलते हुए ऑब्स्टिकल क्या देखने को मिलते हैं कि कई सोशल इकोनॉमिक इश्यूज हैं। स्लम डेवलपर से लेकर अगर हम देखें तो बिग जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस एरिया में ऑलरेडी आ चुके हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स भी हमें देखने को मिली है कि प्रशासनिक जो तंत्र है उसने इस कड़े और यहां पर कभी कदम नहीं उठाया। इसके चलते हुए ऑलरेडी काफी ज्यादा इंक्रोचमेंट और नुकसान हो चुका है। उसके चलते हुए ये ऐसा जो नया एक प्लान है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके अलावा द इकोलॉजिकल एडवांटेजेस आर नॉट प्रॉपरली अप्रिशिएटेड बाय लोकल्स। उसके अलावा जो इकोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं इनका ज्ञान जो है अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं इन्हें नहीं पता है कि अगर पर्यावरण का नुकसान होगा तो इनसे उनको कितना ज्यादा बड़ा एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसके चलते हुए इकोलॉजिकल एडवांटेजेस के लिए कि यहाँ पर लोकल्स जो है जो यहाँ के लोकल लोग हैं वही यहाँ पर इसका स्टैंड नहीं ले पाते हैं। उसके अलावा देयर इज इंक्रीजिंग पॉल्यूशन अलोंग विथ ग्राउंड वाटर स्ट्रेस हुज मेन सोर्स इज अरावली। एक और बात यह है कि अरावली को ग्रीन लंग माना जाता है हमारे सब कॉन्टिनेंट के उस हिस्से का जिसमें राजस्थान गुजरात से लेकर राजस्थान और उत्तर भारत का एरिया है। इसे हमारे उपमहाद्वीप का वन ऑफ द लंग माना जाता है, और इसे ही आप खत्म करने की बात कर रहे हो तो एयर पॉल्यूशन होगा। उसके चलते हुए ये जो आसपास का एरिया है जहां पर नदियां नहीं है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है वाटर का, वहां पे भूमिगत जल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये जो भूमिगत जल है इसको रिचार्ज करने का काम अरावली पर्वत श्रृंखला और इससे जुड़ा हुआ जो पर्यावरण तंत्र है वही करता है। अगर अरावली को कम करोगे तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर जो है उसे रिचार्ज करने वाले आप चार्जर को यहां पर खराब कर रहे हो, ऐसी इसकी ऐसा एक उदाहरण के तौर पे यहां पे हम कह सकते हैं। तो जरूरी है कि जो लोकल रेसिडेंट हैं उनमें इसको लेकर जागरूकता फैले, जिसको लेकर ही वो दबाव हमारे एक प्रशासन पर और सरकार पर डाल सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यही समाप्त होता है। इसके अलावा आप इस पॉडकास्ट इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को पॉडकास्ट के फॉर्म में, सिर्फ ऑडियो फॉर्म में भी स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पर सुन सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस पॉडकास्ट बाय लॉसी को सर्च करना है इन पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे और आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। एक हमारा नया इंस्टाग्राम पेज शुरू हुआ है लॉसी को लॉ फाइनेंस। अगर आप लॉ के विद्यार्थी हैं, अगर आप लॉयर है और फाइनेंस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं तो ये पेज आपको अपडेट करने के लिए एक बहुत बड़ा मददगार संसाधन साबित हो सकता है। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।